अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम तीनों दोस्त फिर इकट्ठे हुए हैं जी नए प्रोग्राम के लिए, और आज हम लोग बना रहे हैं मछली। इंशाल्लाह इसका जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ जल्दी शेयर करते हैं। मेरे साथ इमरान साहब हैं और साजिद भाई हैं जो वीडियो बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं आपके साथ। तो आज हमारा प्लान बना है कि मच्छी बनानी है जी। साजिद साहब सुनाओ जी, ठीक हैं? अल्लाह ने शुक्र जी। अच्छा, आज आप बड़े दिन बाद आए हैं, इसकी वजह क्या है? कम अज कम हम लोग आज तकरीबन 20 से 25 दिन बाद इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है जी? मसरूफियात हैं जी, हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं। तो जैसे ही फिर हुआ, आज आपने कहा था, हमने जो है ना हमने भर लिया प्रोग्राम किया आपके साथ। नहीं, इतनी भी मसरूफियात नहीं होती, बंदा एक दिन ना निकाल सके 20-25 दिन में। हम तो डेली तैयार हैं, आप दोनों अपनी बात करें जी। मैं भी तैयार हूँ, आप खास कर आपके कोई ना कोई वलीमे या कुछ और निकल आते हैं, हमारे नहीं निकलते। मेरा तो है भी है, लेकिन इधर को तब शायद आवाम से मिले आप। सबसे पहले हमने दही लिए, दही हम डाल देंगे लाल मिर्च तकरीबन 2 चम्मच, ये आ गई जी हल्दी, हल्दी का 1/2 चम्मच ये डाल रहे हैं उसमें। साथ हमारे पास है जी कुटे हुए ये है जी लहसुन, ये तकरीबन 1 चम्मच बड़ा, और ये अदरक कुटी हुई है, और ये सफेद मिर्च कुटी हुई है, ये इसमें डाल दिए, और साथ ही थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऑयल। ये डाल दीजिए, इसमें हम डालेंगे बाकी ये मछली मसाला हमारे पास है शान वालों का, ये डाल लेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जी नमक, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक हम डाल रहे हैं इसको 1 चम्मच तकरीबन। बाकी फिर सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, अब इसको मसाला जो हमने बनाया था मिट्टी को लगा देंगे सारा। एक साइड पे लगाएंगे, दो साइड पे लगाएंगे, और मछली कितनी है जी? मछली जी 2 किलो मछली है, इसको हमने पहले सिरका लगा के रख दिया था, सिरका और नमक लगा के इसको हमने तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद धो लिया हमने इसको, नमक वाला हो सकता है और पानी जितना था वो सारा हम धो दिया, और इसके बाद हमने ऊपर मसाला लगा रहे हैं। और मसाला लगाने के बाद इसे कितनी देर तक रखेंगे? मसाला लगाएंगे हम जी इसको तो तकरीबन 15 से 20 मिनट, हम वैसे तो उसको 3 से 4 घंटे के लिए रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, हम इसको रखेंगे कम से कम आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा, ठीक है जी। आधे घंटे में हमारी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जी इमरान साहब, अभी आप दोबारा क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं जी? इसमें हम गरम मसाला डालना और धनिया पाउडर डालना भूल गए थे, साथ में आप मेरे ख्याल में नींबू डालना भी भूल गए थे। भूल गए थे, ये हम डालते हैं जी नींबू, और ये साथ गरम मसाला थोड़ा डाल रहे हैं ऊपर। इसमें अभी ये होगा कि किसी पे गरम मसाला ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, कर लेंगे सर। आप जल्दी में हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी ना करें ना, क्या बात है। भाभी ने आज आपको टाइम दे के भेजा,
ये थोड़ा सा हो जाता है ऐसे जब नए नए बंदे हो ना। अच्छा ये जी हमने स्टार्ट कर दिया, अभी इमरान साहब इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रहे हैं। पहले दो पीस हमने रखे हैं अभी और चार पीस जो हैं अभी बाकी हैं। ये हमारे इमरान भाई जो हैं इनकी तरफ जरा जी तेल लगाने में बहुत मार हैं जी। हम आज एक मिनट जी, कैसे जी इमरान भाई जी? आप मच्छी को ऑयल लगाया हमने। अच्छा, और हमारे पास सामान की कमी है काफ़ी ज़्यादा, अभी इसको हवा देने के लिए कुछ चीज़ हमें चाहिए, हम फिलहाल इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैं ला देता हूँ नीचे से, ऐसा मसला नहीं है। आप बेलचे से देंगे जी? किधर गए जी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बड़ी हवा जी साहब, बड़ी हवा। वाह 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 जी वाह 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 जी, मुबारक हो। जल गई है? नहीं नहीं, आप इसके साथ क्रिकेट खेल लें थोड़ा सा। ये जी हमारी मछली हो गई है तैयार। मैं और साजिद भाई चले गए थे नान लेने के लिए, और नान वाले ने आज हमें माशाल्लाह बहुत लेट किया है, जिसकी वजह से हम मछली बनती हुई आपको नहीं दिखा सके ज्यादा। अब चेक कराते हैं, अभी हम आपको चेक कराते हैं कि कैसी बन गई है। साजिद भाई जरा दिखाएं जी वीडियो में। ये जी मछली तैयार है जी, मछली जी ठीक है जी। साथ में रहता है नान है। ये जी हम सबसे पहले आए हुए, ये देखे जी मछली गली के सर है जी। ये देखें जी ये मछली है जी। ये हम थोड़ा सा लगाई सर चटनी, अगर पुदीने की चटनी है, इन्हें चटनी की बहुत पसंद है। चलो जी आप ही बुला के आप ही खाई आने। चलो जी हम लोग खाते हैं इंशाल्लाह, और खाने के बाद बताते हैं आपको कैसी बनी थी। हाँ साहब, आप भी ट्राई करके दिखाएं जरा। मैं ये वाला पीस लूंगा। माशाल्लाह ग्रीन टी का जो कि जरूरी है मछली के बाद इसको हजम करने के लिए, और बड़ा मजा आया इसमें। हाँ जी मछली मैंने खाई तो नहीं है, चखी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी। जनाब की जी तबीयत ख़राब हो गई थी और जनाब मछली नहीं खा सके, और मेरे साथ अभी थोड़ी सी को मछली बची हुई है, वो मेरी नबिया जान खाएगी। बिया खाओगी ना मेरे साथ फिश? हाँ फिश खाएगी मेरी बेटी। तो जनाब इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तो फिर हम आप लोग कमेंट्स में बताएं कि हम नेक्स्ट क्या चीज़ बनाएं। कमेंट करना ना भूलिएगा, बताएं हमें कि नेक्स्ट टाइम हम क्या पकाएं। इंशाल्लाह जी जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।